हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बर्थ टाइम पे लगने वाले वैक्सीन्स की। थिंग्स फर्स्ट, अगर वैक्सीनेशन से जुड़े आपके किसी भी प्रकार के सवाल हैं कि जैसे वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, सुबह लगवाना चाहिए कि शाम को, पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन, एंड लॉट मैनी क्वेश्चंस अबाउट पोस्ट वैक्सीनेशन केयर, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप वैक्सीनेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि सभी CGHS सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, एंड इवन पेनलेस वैक्सीन्स भी आज की डेट में CGHS पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे नहीं हो। तो आप इस फैसिलिटी का लाभ उठाएँ और अपने बच्चे को अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्शन ज़रूर दिलाएँ वैक्सीनेशन के थ्रू। तो चलिए अब बात करते हैं बर्थ टाइम के वैक्सीन्स के बारे में। जब एक शिशु का जन्म होता है और उसके बाद विद इन 24 आवर्स 3 वैक्सीन्स यानी 3 टीके बच्चे को लगाए जाते हैं। पहला वैक्सीन है BCG। BCG वैक्सीन्स TB यानी ट्यूबरकुलोसिस से बच्चे को इम्यूनिटी देता है, बच्चे के अंदर TB के अगेंस्ट ऐसी इम्यूनिटी पैदा करता है कि इन फ्यूचर उसको कभी भी ये बीमारी ना हो, और अगर हो तो बहुत ही मिनिमल इफेक्ट हो उसकी बॉडी के ऊपर। BCG वैक्सीन लगाने के 1 से 4 हफ्ते के बीच में जहाँ पे वो वैक्सीन लगाया गया होता है उस जगह पर एक रेड ब्लिस्टर यानी कि एक लाल कलर की फुंसी सी बन जाती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अब ये जो फुंसी उस जगह पर आई है वो धीरे धीरे अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर सॉफ्ट हो जाएगी, और हो सकता है कि उस फुंसी में से पस भी आना शुरू हो जाए। और ये पस अगर 1 से 2 हफ्ते तक आता है तो ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 2 हफ्ते से ऊपर अगर आपके बच्चे को पस ड्रेन हो वहाँ से जहाँ पे उसको BCG वैक्सीन लगा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बट जब तक आपको डॉक्टर सलाह ना दे तब तक उस जगह पर किसी भी तरीके का क्रीम, पाउडर या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ना लगाएं। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल और ये दर्शाता है कि वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया है। वैक्सीनेशन लगने के 10 से 12 हफ्तों के भीतर ये जहाँ पे फुंसी आई है वो एरिया धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा और वहाँ पे एक छोटा सा निशान बन जाएगा जो लाइफ लॉन्ग बच्चे के रहेगा, पर वो इंडिकेट करता है कि आपने एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन TB के अगेंस्ट कराया है। दूसरी वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे के लिवर को डैमेज कर देती है। बच्चे को जॉन्डिस होने के साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ हो जाते हैं, जैसे कि फीवर आ जाना, उसके मसल्स, उसके जॉइंट्स में दर्द होना, उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाना। तो हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसके अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बच्चे को इम्यूनिटी देता और उससे प्रोटेक्ट करता है। तीसरा वैक्सीनेशन होता है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये वैक्सीन बच्चे को पोलियो से बचाती है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने भी नसें होती हैं उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे के जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, वो सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या उनके अंदर परमानेंटली मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है, बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है या फिर वो पैरालिसिस का शिकार भी हो सकता है। इसलिए बच्चे को OPV वैक्सीन देकर पोलियो से बचाव ज़रूर दिलाएं। पोलियो यूजुअली बच्चे को पहले 5 साल के अंदर अटैक करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन ज़रूर दें। ओरल पोलियो वैक्सीन का मतलब है मुंह के द्वारा दी जाने वाली दवाई, इसीलिए इसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। लेटर ऑन IPV भी दिया जाता है बच्चे को, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस जानकारी के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को ले जाएं, अगर आपका बच्चा बीमार है या उसके अंदर किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज आपको नज़र आ रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर बताएं, तभी आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि वैक्सीनेशन के लिए ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि नहीं है। दूसरा, वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको पेनलेस लगवानी है कि पेनफुल वैक्सीन लगवानी है, और वैक्सीन के बॉक्स को प्रॉपरली चेक करें और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। और हर वैक्सीन के बॉक्स के साथ साथ स्टिकर्स मिलते हैं, उन स्टिकर्स को अपने रिकॉर्ड बुक में ज़रूर लगवाएं।
इस तरीके की एक रिकॉर्ड बुक आपको आपके हॉस्पिटल से दी जाएगी या जो भी आपके पीडियाट्रिशियन हैं उनके क्लिनिक पे आपको दी जाएगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग स्टिकर्स यहाँ पे लगे हुए हैं डिफरेंट वैक्सीन के, डॉक्टर उस वैक्सीन का स्टिकर रिकॉर्ड बुक में पेस्ट कर देते हैं कि जब भी उन्होंने वैक्सीन दिया है उसके सामने वो सारी डिटेल्स उनको रेडिली अवेलेबल हो जाए। और स्टिकर के अंदर प्रॉपरली मेंशन होता है कि इंजेक्शन का नाम क्या है, वैक्सीन कब मैन्युफैक्चर हुई थी, उसका बैच नंबर क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और करें, आपकी ग्रोथ ट्रैकर साथ में होता है जब जब वैक्सीन लगती है, तो हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस मेजर किया जाता है और उससे तय किया जाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमेशा जब भी बच्चे को वैक्सीन के लिए ले जाएं तो ग्रोथ ट्रैकर वाली साइड में हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस हमेशा नोट करवाएं। अगर आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं हो, जो भी अगर बुकलेट फॉलो की जाती है या जो भी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया जाता है उसमें डेट के साथ साथ प्रॉपरली हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस ज़रूर नोट करवाएं। वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसलिए पहले से ही अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फीवर की मेडिसिन और उसका डोसेज ज़रूर प्रिस्क्राइब कराएं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग।